Hey guys, my name is Rishu Gautam and I am student at Loyalist College, Belleville, Canada. आज सुबह मेरा लेक्चर था और मैंने ब्रेकफास्ट किया और जैसे ही मैं घर से निकलने लगा तो मैं डम्बफाउंडेड रह गया और चलो आपको दिखाई देते हैं बाहर का नज़ारा। सो हियर वी गो गाइस। हाँ जी, आज डेट है 7th of November 2019। बैलेविल में हुई है स्नोफॉल, एन अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल। जैसे आप जैसे देख सकते हैं, एक्चुअली जब स्नोफॉल हुई तब मैं सो रहा था और अब ऑलमोस्ट मौसम भी साफ हो ही चुका है। थोड़ी देर में धूप निकल ही जाएगी लग रहा है। चलिए आपको स्ट्रीट फूड दिखाते हैं। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का। सरप्राइजिंगली पंजाब में रहते हुए मैं मनाली नहीं जा पाया स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लाइफ की फर्स्ट स्नोफॉल मैं कनाडा में एक्सपीरियंस करूँगा। तो ये है जी हमारी हॉलोवे स्ट्रीट इन बेलेविल सिटी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे स्नो या मेल्ट होती जा रही है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा व्यू है। एक्चुअली बेलेविल में मैं न्यू हूँ। जो यहाँ पे पहले से स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनका ये कहना है कि ये थोड़ा अननेचुरल है कि इन स्टार्टिंग ऑफ नवंबर मंथ अचानक से इतनी स्नोफॉल हो, क्योंकि समवेयर आफ्टर 20th ही एक्सपेक्ट करते हैं, आफ्टर 20th ऑफ नवंबर। ये है हमारा बैक पोर्च। एक्चुअली ये पहले जो ग्राउंड था सारा पहले स्नो से कवर था, पर अब धीरे धीरे जो स्नो है वो मेल्ट हो चुकी है। अभी जो करंट टेम्परेचर है वो है -1। हमारे जो नन्हे मेहमान हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली कल मैं गया था बाहर अपनी विंटर्स जैकेट बाय करने के लिए। एक्चुअली कल मौसम भी काफ़ी साफ़ था और सनी था, तो मैंने सोचा कि वी आर गोइंग टू हैव ब्लैक फ्राइडे इन द एंड ऑफ नवंबर मंथ, तो हम तब बाय कर लेंगे, थोड़ा डॉलर्स सेव कर लेते हैं। बट इनफैक्ट 3-4 दिन पहले ही मेरे पुलकित भाई से बात हुई थी, तो कह रहे थे कि भाई अपना थोड़ा जैकेट वगैरह ले लो, यहाँ पे थोड़ा मौसम का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। तो मुझे लग रहा है कि अब बाय करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बिना थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ओके गाइस, see you soon. Till then, stay happy and stay blessed. Bye.